Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 5, that is the separation of substances. So in the previous class we have studied about various types of techniques which we use on daily basis for the separation of various types of substances. Today we are going to discuss the remaining techniques which we use for separation, right? So before coming to the separation techniques, we'll do an activity, which is activity number 4. So in this activity, which is given, bring a sieve and a small quantity of flour from home. आपके घर में जो आटा होता है उसको आपको सीव से, यानी कि जिसको हम छलनी बोलते हैं, उससे आपको उसे छानकर देखना है. तो छानकर आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो फ्लोर होता है उसके अंदर जो ब्रैन पार्ट होता है वो क्या रह जाता है, ऊपर की तरफ रह जाता है. ब्रैन यानी कि जो चूरा होता है, जो पिस नहीं पाता है आटे के साथ या गेहूं के साथ, वो ऊपर की तरफ रह जाता है. और जो नीचे है वो हमारा फाइन फ्लोर हमको जो है वो मिलता है. तो इस तरीके से हम लोग फ्लोर को जो है गेहूं जो होता है, व्हीट जो होता है, उससे हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. बट आप मुझे बताइए कि क्या आप फ्लोर और पाउडर्ड चॉक को आप अलग कर सकते हैं? क्या आप फ्लोर और पाउडर्ड चॉक, जो कि से दिखने में सेम होते हैं और उनका साइज भी ऑलमोस्ट सेम होता है, क्या आप उनको अलग कर सकते हैं? उनको अलग करना सीव से काफी मुश्किल होता है. ठीक है, तो सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस. सीविंग को आप कब यूज कर सकते हैं? सीविंग को तब यूज कर सकते हैं जब आपके कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के वो क्या है, अलग अलग साइज के हों. जैसे मान लीजिए कोई बड़े साइज का हो, कोई छोटे साइज का हो, तो छोटे साइज का होगा वो क्या करेगा, छलनी से छनकर नीचे की तरफ आ जाएगा, इस तरह से सेपरेट हो जाएगा. और जो बड़े साइज का है वो छलनी से क्या रह जाएगा, ऊपर की तरफ रह जाएगा. इस तरह से हम लोग दोनों सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, होते क्या है इनको भी हम लोग पढ़ेंगे. तो हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई योर मदर सोक्स राइस ग्रेन्स इन वॉटर बिफोर कुकिंग? क्या आपने कभी देखा है कि आपकी जो मदर है वो जो राइस ग्रेन्स हैं उनको सोक क्यों करके रखती हैं, उनको भिगोकर क्यों रखती हैं कुक करने से पहले? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइस ग्रेन में बहुत सारे इनसॉल्युबल छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं? इनसॉल्युबल छोटे छोटे से बिल्कुल टाइनी साइज के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि स्ट्रॉ आ सकती है, डर्ट आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, अगर हम उनको वॉश करके नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रॉ, डर्ट और इंसेक्ट्स क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, हमारे राइस के साथ कुक हो जाएंगे और हमारे खाने को क्या करेंगे, खराब करेंगे, खराब टेस्ट भी देंगे. और क्योंकि इंसेक्ट्स उसके साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, जो है वो हमारे खाने को पॉइजनस भी बना सकते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले राइस ग्रेन्स को सोक करके रखना चाहिए पानी में. हमें राइस ग्रेन्स जो होते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो राइस ग्रेन्स होते हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं, तो हैवी चीज क्या होती है, नीचे की तरफ आकर बैठ जाती है. तो राइस ग्रेन्स क्या होंगे, हैवी होंगे, वो नीचे की तरफ आकर बैठ जाएंगे. जो इम्प्योरिटीज होंगी जिसके के अंदर आपका स्ट्रॉ, डर्ट या इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ तैरने लग जाते हैं, जिससे हम लोग उनको हाथ से या किसी छलने की हेल्प से उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन. और सेडिमेंटेशन के बाद हम करते हैं डिकेंटेशन. क्या करते हैं, डिकेंटेशन. तो सेडिमेंटेशन में क्या हुआ कि जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ आकर बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे. और इस तरह से हम लोग जो हैवी पार्टिकल्स हैं जो कि नीचे की तरफ आ गए हैं, जो कि है हमारा राइस, अब हम क्या करेंगे, सेडिमेंट हो गए हैं हमारे राइस, अब हमें उसको सेपरेट आउट करना है. तो हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन करते हैं. डिकेंटेशन की टेक्निक में करते हैं क्या है, हम लोग फिगर दिया हुआ, यस दिस इज डिकेंटेशन. अब हैवी पार्टिकल्स जो कि है आपका राइस, वो नीचे की तरफ बैठा हुआ है, हमें क्या करेंगे, ग्लास रॉड को लेंगे और हम लोग धीरे धीरे जो ऊपर की तरफ पानी है जिसमें कि आपकी इम्प्योरिटीज हैं, उसको इस तरह से एक एंगल बनाकर हम पानी को यहाँ पर डालेंगे. तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो क्लियर वाटर मिलेगा. और अगर हम बात करें हाँ, तो चावल को हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, या हमें अगर सेपरेट करना है वाटर को सैंड और क्ले से, वाटर को हमें सेपरेट आउट करना है सैंड और क्ले से, तो हम लोग उस पानी को लेंगे जिसके के अंदर हमारा सैंड और क्ले मिक्स हो गया है. अब थोड़ी देर तक उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे काफी देर के लिए, तो जिससे क्या होगा, सैंड और क्ले बीइंग हैवी इन नेचर दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम. ठीक है, और ऊपर की तरफ कौन तैरने लग जाएगा, वाटर तैरने लग जाएगा.
अब हमें इस वाटर को इस सैंड और क्ले से अलग करना है, तो आप क्या प्रोसेस यूज करेंगे, आप डीकंटेशन यूज करेंगे। तो डीकंटेशन में होगा क्या, जो क्लियर वाटर होगा जो कि ऊपर की तरफ होगा, उसको इस तरह से आप एक एंगल बनाकर इस बीकर में कलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ जो रह जाएंगी वो क्या रह जाएंगी, आपकी इम्प्योरिटीज जो कि हमें नहीं चाहिए, वो क्या होती हैं, वो क्या होंगी, सैंड और क्ले। इस तरह से हम सैंड और क्ले को पानी से अलग कर सकते हैं और पानी को क्लियर वाटर की फॉर्म में ले सकते हैं। बट स्टिल इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, अभी भी ये पीने के लायक पानी नहीं है, इसे हमें क्या करना पड़ता है, और फिल्टर करना पड़ता है, उसे और बॉइल करना पड़ता है। इससे तो जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है खाली हम उनको ही अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन मैंने जैसे अभी बताया इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी इनसॉल्युबल सॉलिड के, वो सेटल हो जाते हैं नीचे की तरफ। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया मिट्टी का और पानी का, मिट्टी जो होती है, सैंड या जो क्ले होते हैं वो हैवी नेचर के होते हैं, तो जो हैवी होंगे वो पार्टिकल्स वो नीचे की तरफ आकर बैठ जाएंगे, वेरेज लाइटर पार्टिकल्स क्या रह जाएंगे, ऊपर की तरफ रह जाएंगे। जो पानी है, पानी को हम लोग अलग कर लेंगे, मिट्टी और क्ले हमारी अलग हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। डिकंटेशन क्या होता है, डिकंटेशन जैसे हमने ये वाला पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था अभी, ये वाला डिकंटेशन होता है। तो डिकंटेशन की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या देंगे, डिकंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट, डिकंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड और वॉटर विच कंटेन्स द डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स। डिकंटेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें आप लिक्विड या वॉटर जिसके की अंदर डस्ट या सॉइल है, लिक्विड वॉटर जिसके के अंदर डस्ट या सॉइल है, उसको आप सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना पानी को जब आप इसके अंदर से निकाल लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकंटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिकंटेशन, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स तो यहीं रह गए और जो लिक्विड पार्टिकल है उसको आप यहाँ निकाल कर ले आए और पानी आपका यहाँ पर कलेक्ट हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिकंटेशन। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाएंगे, ठीक है। देन आता है एक्टिविटी नंबर 5, जो कि एक एक्सपेरिमेंट है टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर। अब एक मिक्सचर दिया गया है किसका, सैंड और वाटर का, आपको उन दोनों को अलग करना है, तो आप कैसे करोगे, उसके अंदर वही टेक्निक यूज करोगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन जो हमने अभी यूज की थी, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन की टेक्निक यूज करोगे। आपको मिक्सचर दिया हुआ है पानी और सैंड का, तो आप क्या करोगे, उस पानी को जिसके के अंदर सैंड मिक्स हो गई है उसको काफी देर तक ऐसे ही छोड़ दोगे। काफी देर तक ऐसे ही छोड़ने से क्या होगा, सैंड जो है वो नीचे की तरफ आकर बैठ जाएगी और फिर आप डिकंटेशन की हेल्प से पानी को यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे और मिट्टी जो होगी वो आपकी इसके अंदर रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। देन एक्टिविटी नंबर 6, टू प्रिपेयर मडी वाटर टेक सम सॉइल मिक्स इट विद मिक्स। अगर आपको क्या करना है, मडी वाटर बनाना है, यानी कि मिट्टी का पानी बनाना है, मिट्टी का पानी ये आप कह सकते हो कि मतलब चिकनी मिट्टी सी आपको बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे, उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, टू प्रिपेयर मडी वाटर टेक सम सॉइल एंड मिक्स इट विद इन अ ग्लास, मिक्स इट विद वाटर आपको लिखोगे, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, मिक्स इट विद वाटर। तो मडी वाटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ एक सॉइल लेंगे, उसको किसमें मिक्स कर देंगे, पानी में, और किसमें करेंगे, एक ग्लास के अंदर। लेट द मिक्सचर स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, आप क्या करेंगे, हाफ एन आवर के लिए इस मिक्सचर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। फिर अपनी ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, सॉइल जो होगी वो नीचे की एक तरफ आकर बैठ जाएगी, वाटर जो होगा वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। आप जो ऊपर वाली लेयर है वाटर की, उसको आप डिकंटेशन से दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से जो ये जो ग्लास होगा ना, उसके अंदर जो पानी होगा वो अभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर अभी भी क्या है, इम्प्योरिटीज बैठी हुई होगी। तो इसलिए अब हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, इसके अंदर हम टेक्निक यूज करेंगे फिल्टरेशन की। तो पहले हमने सेडिमेंटेशन किया, उसके बाद हम लोगों ने डिकंटेशन किया, अब हम करेंगे फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फिल्टर पेपर का। फिल्टर पेपर किस तरह का दिखाई देता है, देखिए फिल्टर पेपर नहीं दिया हुआ है, ये रहा फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग एक फिल्टर पेपर लेते हैं जिसका एक कोन शेप बना लेते हैं, जैसे कि ऐसे हम फिल्टर पेपर लेंगे और इसका क्या बना लेंगे, इस तरह से कोन बना लेंगे।
और इस फिल्टर पेपर को इस कीप के अंदर या इस फनल के अंदर हम लोग डाल देंगे, जिस तरह से आपको दिख रहा है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब जो पानी हम लोगों ने डिकेंटेशन के थ्रू लिया था उसको, ये देखिए डिकेंटेशन के थ्रू जो पानी आ रहा है उसको हम फिल्टर पेपर से पास करवाएंगे। फिल्टर पेपर से पास करवाने से क्या होगा, अब जो हमें पानी मिलेगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि इसके अंदर और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स सैंड के रह गए थे वो किसमें रह जाएंगे, इस फिल्टर पेपर में रह जाएंगे। तो जो अब यहाँ पर हमें जो पानी मिलेगा दैट विल बी प्योर, बट स्टिल इट विल नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग, यू हैव टू बॉइल दैट वाटर बिकॉज इट मे कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मे कॉज सेवरल काइंड ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें बॉइल भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्टिविटी 7 दी हुई है आपको, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर। आप क्या करेंगे, एक एक्टिविटी है इसमें क्या करेंगे, आप 2 स्पून लेंगे इसके नमक के। ठीक है, 2 स्पून लिया नमक का और उसको किसमें डाल दिया, उसको डाल दिया आपने पानी के अंदर। ठीक है, और उसको अच्छे से चलाएंगे, इसको घुमाएंगे, तो आपको कोई चेंज दिखाई देता है कलर ऑफ वाटर में? नहीं, कोई खास चेंज हमें नहीं दिखाई देता है। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग? आपको कोई चेंज दिखाई देता है बीकर के अंदर? कोई चेंज नहीं दिखाई देता है। आपको सॉल्ट भी दिखाई देता है जब आप उसको घुमा देते हो पानी में? नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो पानी में घुल जाता है। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब आप क्या करेंगे, इस सॉल्टी वाटर को आप क्या करेंगे, जिसको क्या आपने बीकर के अंदर पानी के अंदर घोल दिया था, आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीट करते करते रहने के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जब पानी जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बीकर, द थिंग विच इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बीकर विल बी सॉल्ट। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉल्ट, जब पानी पूरा का पूरा बॉइल करके उड़ जाएगा। इस टेक्निक को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के टेक्निक से भी हम लोग दो चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों आपस में सॉल्युबल होनी चाहिए, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज में घुल जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं किससे, वाटर से। तो इसमें हम लोगों ने, इस टेक्निक में हम लोगों ने इवेपोरेशन को पढ़ा, जिसमें से हम लोग वाटर और सॉल्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इवेपोरेशन की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेट होना, इवेपोरेट होना यानी कि उड़ जाना, किसका, पानी का। पानी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इस टेक्निक को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, राइट। द प्रोसेस ऑफ evaporation takes place continuously wherever water is present. अभी water, जो evaporation की जो technique है ना, ये अपने आप चलती रहती है continuously जहां भी water present होगा। Sorry. Where do you think salt comes from? आपको क्या लगता है कि salt कहां से आता होगा? Salt जो होता है वो sea water से आता है। Sea water, जैसे देखिए ये देखिए, ये क्या है, obtaining salt from sea water। जब हमें नमक बड़े स्केल पर बनाना होता है, बड़े स्केल पर जब हमें नमक बनाना होता है तो होता क्या है कि सी है, यानी कि बड़े बड़े समुद्र हैं, वहां पर क्या होता है, सी वाटर जो होता है ना उसके अंदर सॉल्ट मिक्स होता है। जो सी वाटर होता है उसके वो थोड़ा सा नमकीन होता है। नमकीन किस लिए होता है, क्योंकि उस पानी में क्या मिक्स होता है, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर होता है। अब हमें पता है कि सन तो हमेशा ही रहता है, सन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो सन की जबकि सनलाइट जब इस सी वाटर के ऊपर गिरेगी ना, जब ये सनलाइट सी वाटर के ऊपर गिरेगी तो सी वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और पीछे हमारे पास क्या बचता है, सॉल्ट बचता है, जिसको कि हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली फिट नहीं होता कंजम्पशन के लिए। उसे हमें कहाँ भेजना पड़ता है, फैक्ट्रीज में, जहाँ पर इसकी रिफाइनिंग की जाती है, उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर निकाली जाती हैं। Then it is packed to, it is sent to certain other factories, जहां पर इसकी पैकिंग करके इसकी मार्केटिंग की जाती है। तो इस तरह से हम लोग सी वाटर से भी सॉल्ट को बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। नाउ यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ये तो ये था कि जहां हम लोगों ने एक एक मेथड सेपरेशन का यूज किया और हम लोगों ने सब्सटेंसेस को अलग अलग कर लिया, लेकिन जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो गए हों,
तो हमें एक से ज्यादा सेपरेशन टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, तो वो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर. यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. व्हाट विल यू डू इफ यू आर गिवन विद अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट एंड वाटर. अगर आपको तीन सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उनका एक मिक्सचर बना दिया गया है जिसमें आपके पास सैंड भी आ जाता है, सॉल्ट भी आ जाता है और वाटर भी आ जाता है, तीनों चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं, आपको उनको अलग अलग करना है, तो कौन सी टेक्निक का आप यूज करेंगे. ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं, वी विल हैव टू यूज मोर देन वन मेथड. हमको एक से ज्यादा मेथड यूज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट आउट करेंगे सैंड फ्रॉम द मिक्सचर. अब आप मुझे ये बताएंगे कि हम लोग सैंड को मिक्सचर में से कैसे सेपरेट आउट करेंगे, हम क्या टेक्निक यूज करेंगे. हम लोग टेक्निक यूज करेंगे सेडिमेंटेशन. तो पहला प्रोसेस हम लोग क्या यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन का. ठीक है, सेडिमेंटेशन के बाद जब मिट्टी नीचे बीकर के अंदर सेटल डाउन हो जाएगी, फिर हम क्या यूज करेंगे, डीकेंटेशन का यूज करेंगे. और डीकेंटेशन के बाद फाइनली हम लोग क्या यूज करेंगे, इवेपोरेशन. जो पानी हमारे पास निकल कर आएगा डीकेंटेशन से, उसको अगर हम इवेपोरेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वहां पर सॉल्ट मिल जाएगा. तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्ट को, वाटर को और हमारा जो क्ले थी या सैंड थी, उसको हम लोगों ने तीनों को अलग अलग कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है दैट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. वाटर वेपर से लिक्विड बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. देखिए अब यहाँ पर दो प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़े, एक पढ़ा इवेपोरेशन, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने कंडेंसेशन. इवेपोरेशन में हम लोग पानी से वेपर्स बनाते हैं. ठीक है, कंडेंसेशन इसका ठीक रिवर्स प्रोसेस है. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग वाटर वेपर से लिक्विड बनाते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. हम क्या करते हैं कि लेट अस बॉइल सम मिल्क. हम लोग एक बीकर लेते हैं. ठीक है, बीकर में हम लोगों ने क्या किया, मिल्क को बॉइल किया. मिल्क को बॉइल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक प्लेट से ढक देते हैं. प्लेट से ढकने के बाद आप थोड़ी देर बाद देखोगे, प्लेट को जब आप रिमूव करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस प्लेट के नीचे क्या है, छोटे छोटे टाइनी टाइनी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं. ठीक है, क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, ये कहाँ से आए, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए जो मिल्क था. यहाँ पर मिल्क के अंदर क्या मिक्स था, वाटर मिक्स था. वाटर किसके अंदर इवेपोरेट करता है, जब हम लोगों ने वाटर को हीट किया था तो वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हमारा वेपर्स के अंदर. तो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हुआ, लेकिन हमने उसको ऊपर से किसकी तरफ से ढक रखा था, प्लेट से, प्लेट की हेल्प से ढका हुआ था. तो जब ये वाटर वेपर्स इस प्लेट से टकराए होंगे तो किसमें कन्वर्ट हो गए, ये वापस, ये वेपर्स किसमें कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए. तो यहाँ पर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, हमने इस प्रोसेस को बोला था इवेपोरेशन. जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इवेपोरेशन, वेपर में कन्वर्ट होना. ठीक है, और उसका ठीक रिवर्स है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होते हैं, यानी कि वाटर वेपर का फिर से वाटर में कन्वर्ट होना. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. तो हमने पढ़ा कंडेंसेशन और इसके बारे में, इवेपोरेशन के बारे में. ये देखिए एक्टिविटी भी यहाँ पर दी हुई है, इसमें आपने क्या किया है, एक केटल लिया है, केटल के अंदर आपने जो मिल्क था उसको बॉइल किया, उससे वेपर्स बने. यहाँ पर अगर आप एक प्लेट रखेंगे तो ये वेपर्स जो हैं किससे टकराएंगे, इस प्लेट से टकराएंगे और वापस से किसमें फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होंगे, हो जाएंगे, जिसको आप एक बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. ठीक है, तो उस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे. थैंक यू.